तो दोस्तों YouTube का आ गया है एक नया अपडेट और ये अपडेट जो है काफी ज्यादा तगड़ा है और इस अपडेट का काफी सारे लोग कभी से यार जो बहुत समय से यहाँ पर जो इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली इस अपडेट के अंदर ऐसा क्या होने वाला है, YT स्टूडियो से हम अपनी वीडियो को कर सकते हैं अपलोड। और अगर आप लोग YT स्टूडियो से वीडियो को अपलोड करोगे तो आप सभी जनों को पता है कि वहां पर हमारे काफी सारे सजेशन दिए जाते हैं, काफी सारे टाइटल हो, टेक्स्ट हो, डिस्क्रिप्शन हो, इन सारी चीजों के बारे में, हैशटैग्स के बारे में हमारे सुझाव दिए जाते हैं कि ये चीजें हम अपनी वीडियो के अंदर यूज करेंगे तो हमारी वीडियो 100% यहाँ पर वायरल होगी ही होगी। तो दोस्तों ऐसे में जो हमारा काम है वो काफी ज्यादा सिंपल हो गया है, काफी ज्यादा सरल भी हो गया है। तो आप लोगों को भी नहीं पता कि भाई YT स्टूडियो के अंदर से कैसे वीडियो को अपलोड करनी है, साथ ही साथ में वीडियो को कैसे यहाँ पर वायरल करनी है, तो भाई साहब ये वीडियो आप सभी जनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली है। तो भाई साहब इस वीडियो को करते हैं यहीं से शुरू। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैनल के ऊपर पहली बार है तो भाई साहब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और जल्दी से जल्दी क्या करना है दोस्तों के साथ में वीडियो को कर दो शेयर। तो सबसे पहले आप सभी जनों को क्या करना है, आप सभी जनों को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ओपन कर लेना है अपने YT स्टूडियो को, ठीक है। अब अपने YT स्टूडियो को ओपन करना, लेकिन उसके अंदर आप सभी जनों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो YT स्टूडियो है उसके अंदर आपका YouTube चैनल ओपन होना चाहिए जिसके अंदर आप लोग वीडियो यहाँ पर जो अपलोड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं क्या करता हूँ, अपना जो YT स्टूडियो है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो YT स्टूडियो है इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे वो ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप सभी जनों को और कहीं नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं आप सभी जनों को फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं कि यहाँ पर हमारे को वो बता दिया जाता है किस वीडियो के ऊपर हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सी वीडियो हमारी वायरल है, और किस वीडियो के ऊपर हम जो है टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर हमारे को और ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर जो है YT स्टूडियो खुद बता देता है। ये सारे के सारे ऑप्शन ना तो हमारे को क्रोम ब्राउज़र के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, ना ही हमारे को यूट्यूब के ऐप के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। ये ज़्यादा आपको ऑप्शन चाहिए तो सबसे ज़्यादा आपको अपने YT स्टूडियो के अंदर यहाँ पर मिलने वाले हैं, बाकी आपको ये कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो अब आप सभी जनों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर क्लिक करने वाले अपने डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एनालिटिक्स का ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है, कंटेंट का ऑप्शन हमारे को दिखाया जा रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने वीडियो सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम सभी जनों को क्या करना है, नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखोगे क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव और क्रिएट अ पोस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपलोड अ वीडियो के ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने छोटी सी यहाँ पर वीडियो बनी हुई है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएट यहाँ पर आ रहा है टाइटल का ऑप्शन, यहाँ पर मैं अपना टाइटल लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी विजिबिलिटी यानी कि वीडियो को मैं कर सकता हूँ पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम अपनी लोकेशन डाल सकते हैं और यहाँ से हम वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग यहाँ से जो थंबनेल भी लगा सकते हो, जो भी थंबनेल आपको अपनी वीडियो का लगाना है वो थंबनेल आप लोग यहाँ पर जो है लगा देना, जैसे कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ, और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप सभी जनों को क्लिक करना रहेगा। तो भाई साहब इतना सा सिंपल सा यहाँ पर जो तरीका है, आप सभी जनों को बस इतना सा करना है काम और उसके बाद में भाई साहब आपकी जो वीडियो है वो YT स्टूडियो के अंदर से यहाँ पर जो ओपन होने लग जाएगी। बस दोस्तों आप लोगों को जो इतना सा काम यहाँ पर करना है। और यहाँ से अगर आप लोग अपनी वीडियोस वगैरह को डालते हो, अपलोड करते हो, तो भाई साहब बहुत सारे यहाँ पर जो है बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएंगे, आपका चैनल भी ज़्यादा ग्रो करेगा और भाई साहब बहुत ही तगड़ा यहाँ पर जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे कम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और YouTube ने अपनी एल्गोरिथम के अंदर चेंजेस करा है, वो चेंजेस थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है तो लोगों को व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लोग भी जो है इस ट्रिक को एक बार जरूर से यहाँ पर फॉलो करके देखना। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आप सभी जनों को ये वीडियो कैसा लगा है। आप सभी जनों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को देना सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।